जी हाँ जी बताएं। और घूम करके आपको दर्शन करा रही है। दोस्तों फिर स्वागत है अपने प्रेम ब्लॉग्स में। आज हमारे सिकंदराबाद में माँ दुर्गा की भव्य सवारी निकलने वाली है, जिसे हम नवमी के डोले भी कहते हैं। आज है तारीख 11 अक्टूबर 2024। तुम्हें सारी चीज दिखाएंगे कैसे कैसे नवमी के डोले निकलते हैं। जय माता दी। चलो जी। भैया मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, सब जगह जगह देखो, पीछे हो जाओ भैया, सब लोग देखो, आराम से देखो, आप ही लोगों के लिए है, मेरी हाथ जोड़ के मिलती है भैया। सुंदर झांकी मंच के सामने मंच खड़े करके मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरा निवेदन छूट जाएगा, ये जो भैया मंच से नीचे आ जाओ, मुझे मजबूरन प्रशासन को बुलाना पड़ जाएगा। ये मंच पर मेरी विनती है आप लोगों से भैया, आप अगर आप लोगों के लिए और हमारे बीच आए भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए, हमें बहुत अच्छा लगा भैया। थोड़ा सुनो भैया, बच्चे सब ये नीचे आ जाओ, स्वागत और प्रणाम। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जितने भी उत्सव आते हैं भैया, ये जो भी बच्चे हैं भैया इन्हें नीचे भेजो, अच्छा इन्हें सबको पहले इन्हें लेके आओ, ये जो भी बच्चे खड़े हुए हैं इन्हें सबको नीचे पहुंचाओ, बुला के लाओ इन्हें सबको नीचे, बेटा नीचे आ जाओ। वो हमारी मूल संस्कृति का तुम्हारे संस्कारों को परिलक्षित करने वाले होते हैं ये उत्सव। कहते हैं सब नौजवान साथी खड़े मेरे, मैं भी नौजवान आप भी नौजवान, और कहते हैं जहाजों को जो रोक दे उसे तूफा कहते हैं, जहाजों को जो रोक दे उसे तूफा कहते हैं, और तूफानों को जो रोक दे उसे नौजवान कहते हैं। मेरे सभी मंच पर उपस्थित मेरे इसके कार्यक्रम के जिन्होंने शुरुआत की ऐसे आदरणीय जैन साहब, या उपस्थित पार्टी के सभी आदरणीय अरविंद दीक्षित जी, आदरणीय सचिन शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय चेयरमैन अपने प्रदीप दीक्षित जी, अपने बंटी मनोज जैन जी, बंटी जैन जी, एक आदमी के अलावा कोई भी गाड़ी पर दिखा, मैं ऐसा चलू उससे अभी की अभी बात कर दूंगा। माता का सुंदर प्रधान जी से नीचे उतारो ना सबको, माता का सुंदर ये माता रानी का जुलूस है, ये तुम्हारा छछोर बन गया नहीं सुन लो। दीपांशु राणा डीजे भैया डाले डाले ना सब लोग, कोई भी डीजे को बंद नहीं बैठेगा, डीजे बाजार में तो कोई जरा दे जाएगा, कोई भी डीजे को बंद नहीं बैठेगा। पिंकी जी जय हो,
माता महारानी का सुंदर दरबार। भैया सबसे पहले आ जाओ जल्दी से, मुकेश भैया तुरंत नीचे आ जाओ और जल्लूस चलवाओ। राजी शर्मा जी क्या आदमी छाइयों से मैं विनती करता हूँ कि अगर आपकी राय पर जगह बनवाए किराए पर जगह बनवा दे, बहुत बढ़िया किराए पर जरा मंच के आगे जरा सा जगह भरे, मंच खाली हो मंच के आगे से जरा, हाँ मंच के आगे जगह खाली कर लो भैया, मंच के आगे जगह खाली कर लो। भैया जरा भीड़ पीछे कर लो, शाबाश ऊंट बैठी है। मुकेश भैया ऐसा है, भाई वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा नवीन जी, धन्यवाद आपका, मंच पे तीन जगहों की जनों की जगह हो गई है, बहुत सदस्यों से कि भैया इसे आगे ले आओ, इसे झांकी को मंच के आगे ले आओ, मंच के आगे, मंच के नजदीक। Thank you.
जय दर्शन कराए सभी को, बांके बिहारी के सभी दर्शन करें, बांके बिहारी जी के सुंदर दर्शन आप देख रहे हैं मंच के समक्ष। हेलो 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 गोलू भैया भैया ये देखो ये मैं फिर कह रहा हूँ शिवा एक भी फायर का चाहे वो कोल्ड हो या हॉट किसी भी तरीके का काम जानते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को मनाया जाता है, किसी भी काम करने से पहले लीजिए एक सुंदर सी गणेश वंदना। प्लीज एक प्रोग्राम में आपको वो सुनवाऊंगा क्योंकि हम लोग कनखल से हैं, यानी कि भगवान शिव जी ससुराल है तो हम बेटी वाले भी हुए कनखल से है ना, हम सब कनखल हरिद्वार से हैं हम, तो भगवान शिव की ससुराल है वहां तो हम बेटी वाले भी हुए। तो जिस वक्त भगवान शिव की बारात कनखल में आती है तो उस वक्त कैसे मंगल नारे होते हैं और कैसे मंगल गीत गाए जाते हैं वो भी हम आपको आज सुना के जाएंगे। सर कनखल में हमारे साबितगढ़ के जो स्वामी अभिषेकानंद गुरु जी का आश्रम है वहाँ मैं जाता रहता हूँ। वहाँ सर मैं आपको बता दूँ
पंकज जी की शादी है, तीन जी की सुभद्रा मैया की। ये नौ देवियां जाएंगी पहले, ये अखाड़ा जिसका भी है इसे फौरन रोक दो भैया, अखाड़ा जन्म है जो भी इसे रोको। अच्छा सुनो 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 आप कर रहे हैं शर्मा जी, चरण स्पर्श करना हो तो ले चलो। सच्चे दरबार की, माई के भवन की। भैया बहुत अखाड़ा राजकुमार, अखाड़ा जन्म, दोनों अपने अपने खड़े जल्दी लेकर आ जाओ। मंच के समक्ष सुंदर झांकी में जी की एक बड़ी प्यारी फरमाइश थी।